नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो हिमाचल प्रदेश की शाम की ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल पहुंचा मानसून, इस बार 13 दिन पहले दी दस्तक। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इस बार सामान्य से 13 दिन पहले मानसून ने हिमाचल में दस्तक दी है। इससे पूरे वर्ष 2000 में 9 जून को मानसून ने हिमाचल में प्रवेश किया था। विक्रमादित्य ने साझा की तस्वीर, बोले मां भीमा काली के आशीर्वाद से स्वस्थ हैं वीरभद्र सिंह। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रविवार को सोशल मीडिया में अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ फोटो साझा की है। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि मां भीमा काली के आशीर्वाद और आप सभी लोगों की दुआ से वीरभद्र सिंह स्वस्थ हैं। वीरभद्र सिंह IGMC के मेकशिफ्ट वार्ड में दाखिल हैं। एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, कार्डियोथेरेपिक सर्जरी, एंडोकार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टरों की तैनाती की गई है। विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों के बारे में कहा कि वीरभद्र सिंह डॉक्टरों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मां भीमा काली के आशीर्वाद प्रदेश के लोगों के स्नेह और शुभ चिंतकों की शुभकामनाओं से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। लोगों से भी अपील की है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। CHC सिविल और जोनल अस्पतालों में पीडियाट्रिक्स गायनी विशेषज्ञ होंगे तैनात। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ने CHC सिविल और जोनल अस्पतालों में पीडियाट्रिक्स और गायनी विशेषज्ञ तैनात करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों से बच्चों के अतिरिक्त डॉक्टरों की रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही जो स्टाफ पहले से CHC सिविल और जोनल अस्पतालों में तैनात हैं उसे वहीं रखने के आदेश दिए हैं। कहा कि इस स्टाफ की पहले वाले स्थान पर तैनाती नहीं करने के लिए कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी के चलते डॉक्टरों की एडजस्टमेंट नहीं होगी। संभावित तीसरी लहर 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है। इस आयु वर्ग के लोगों के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है। टैक्स माफी व अन्य मांगे पूरी न मानने तक जारी रहेगी निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल। हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर टैक्स माफी समेत अन्य मांगों के पूरा न होने पर हड़ताल पर ही रहेंगे और सोमवार से प्रदेश में अपनी बसें नहीं चलाएंगे। यह फैसला प्रदेश निजी बस ऑपरेटरों की रविवार को वर्चुअल बैठक में लिया गया। मांगे न मानने की सूरत पर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी है। निजी बस ऑपरेटर 3 मई से हड़ताल पर हैं। 7 मई को प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा था। रविवार को निजी बस ऑपरेटरों की वर्चुअल बैठक प्रदेश प्रधान राजीव पराशर की अध्यक्षता में हुई। जल शक्ति विभाग पैरा पंप ऑपरेटरों और पैरा फिटरों को मिलेंगे 4,600 प्रतिमाह। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार शीघ्र ही जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों के 2,322 पद भरने की प्रक्रिया आरंभ करेगी। पैरा पंप ऑपरेटरों और पैरा फिटरों को 4,600 प्रतिमाह और बहुउद्देशीय पैरा वर्करों को 3,600 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाना है। हिमाचल प्रदेश शिमला में रेड जून सेब की दस्तक, पिछले साल के मुकाबले 2 गुना दाम। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बड़ा कुफर फल मंडी में शनिवार को सेब की अर्ली वैरायटी रेड जून किस्म के सेब की आमद शुरू हो गई। पहले दिन 20 किलो की पेटी 800 और 10 किलो की हाफ बॉक्स 50 रुपए में बिका। इस साल सामान्य के मुकाबले करीब एक हफ्ते में पहले मंडी में रेड जून किस्म का सेब पहुंच गया है। एक हफ्ते बाद मंडी में सेब की आमद बढ़ने की उम्मीद है। शनिवार को जुब्बल के हाटकोटी उद्योग के मतियाना से सेब पहुंचा। हिमाचल में इस माह कोरोना मामलों से ठीक होने वालों का आंकड़ा 2 गुना। हिमाचल में इस माह कोरोना के नए मामलों से ठीक होने वालों का आंकड़ा 2 गुना से अधिक रहा है। इस माह जून में अब तक 8,031 नए मामले आए हैं। वहीं 16,731 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में 242 की मृत्यु इस माह अब तक हुई है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 95.93% पहुँच गया है। डेथ रेट 1.69% में अटका हुआ है। हिमाचल में आज कोरोना के 48 मामले सामने आए हैं। वहीं 774 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक हमीरपुर जिला में ही एक ने दम तोड़ा है। प्रदेश में कुल आंकड़ा 1,98,361 पहुंच गया है। अभी 4,675 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,90,296 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ 3,369 है। पांवटा में ट्रक बाइक की टक्कर में युवती की मौत, बाइक चालक भी जख्मी। शिलाई नेशनल हाईवे पर तारवाला के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। हादसे में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी युवती की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा कि हादसा इतना भयंकर था कि युवती का हाथ कटकर अलग हो गया। पुलिस के अनुसार परमजीत कौर निवासी यमुनानगर विजय कुमार निवासी सतीवाला की बाइक पर बैठकर जा रही थी। इसी दौरान ट्रक के साथ टक्कर में परमजीत कौर ट्रक की चपेट में आ गई तथा मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
वहीं बाइक चालक विजय कुमार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में लाया गया। आईएमए से पास आउट हुए हिमाचल के ये जांबाज, परिजनों का सीना गर्व से फूला। हिमाचल प्रदेश के कई युवा सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। आईएमए देहरादून में ये जांबाज पास आउट हुए। बेटों के कंधों पर चमचमाते सितारे देखकर परिजनों का सीना गर्व से फूल गया। देहरादून के आईएमए ग्राउंड में 449 जवान लेफ्टिनेंट बने। इनमें देवभूमि हिमाचल के युवा भी हैं। ज्यादातर युवाओं के परिजन भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। बटियात के कमलाड़ी के राहुल थापा और चुवाड़ी के अक्षित पठानिया सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। आईएमए देहरादून में दोनों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया। राहुल थापा ने नर्सरी से छठी कक्षा तक की शिक्षा आर्मी स्कूल बकड़ो और उसके बाद सातवीं से लेकर जमा दो की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय बकड़ो से की। उसके बाद एक साल डीएवी बनखेत से प्रथम वर्ष की पढ़ाई करते हुए वो फौज में चयनित हो गए। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाएगी राजपूत सभा। हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पटियाला स्थित महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में निशुल्क शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। पात्र बच्चों के परिजन राजपूत ट्रस्ट या राजपूत कल्याण सभा के पास आवेदन कर सकते हैं। सभा अपने स्तर पर निरीक्षण करने के बाद पात्र बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। कांगड़ा में रविवार को महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर वर्चुअल बैठक में राजपूत कल्याण ट्रस्ट के चेयरमैन ठाकुर कुलदीप सिंह ने कहा कि कोविड के कारण इस बार बड़े स्तर पर समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका। कहा कि कोरोना से प्रदेश में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सैकड़ों लोग काल का ग्रास बने हैं। कोरोना कर्फ्यू के कारण हर तरह की गतिविधियां बाधित हुई है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण ट्रस्ट ने जो है ये गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को देने का ऐलान किया है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिनभर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।